नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी नौकरी में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन के बारे में आपको पता लगता रहे। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि हम लिए और इसी तरह के वीडियोस नए नए लेके आते रहें। आज हम बात करेंगे एनडीए के एग्जाम के बारे में, जो अभी रिसेंटली स्टार्ट हो चुका है अप्लाई होना। तो आइए चलते हैं एनडीए के नोटिफिकेशन के ऊपर। एनडीए का जो एग्जाम है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम है, जिसके अंदर अभी 413 वैकेंसीज ओपन हुई है। इसमें जो फीस है जनरल कैटेगरी की ₹100, SC ST या सन्स ऑफ GSU, NCO और OR, उनकी फीस बिल्कुल जीरो है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट उनके लिए अप्लाई हो सकती है। पेमेंट का जो मोड रहेगा ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों रहेंगे, या तो आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं या आप चालान से पे कर सकते हैं। इनकी जो स्टार्टिंग डेट है 16 जून 2020 और लास्ट डेट जो रहेगी 6 जुलाई 2020 शाम 6 बजे तक। ये पोर्टल बंद हो जाएगा, आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। इनकी जो लास्ट फीस की पेमेंट है ऑनलाइन 6 जुलाई 2020, डेट ऑफ एप्लीकेशन विड्रॉ, अगर आप उसको अप्लाई नहीं करना चाहते तो उसको विड्रॉ करने की जो डेट है 19/7/2020 है। एग्जाम की जो डेट दी गई है यहाँ पे 6 सितंबर 2020, डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एग्जामिनेशन रिजल्ट, जो एग्जाम का रिजल्ट आएगा आपका दिसंबर 2020 तक एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा। जो कोर्स कमेंसिंग फॉर्म है वो 2 जुलाई 2021 में अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। इनके लिए जो मिनिमम एज क्राइटेरिया रहेगा वो 18 साल के आसपास रहेगा। देखिए, ना तो आप 2 जनवरी 2002 से पहले नॉट लेस देन 01012005, यानी कि आपकी जो एज रहेगी 18 से 19 के आसपास रहेगी, और आपकी जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया वो है आपकी प्लस टू विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। और जो आपकी वैकेंसीज आई हैं वो आई हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी की 370 और नेवल एकेडमी जो कैडेट एंट्री स्कीम के साथ है 43 वैकेंसीज। तो ये चलते हैं, देखते हैं कि एग्जामिनेशन के बिहार पे आप कैसे इनकी वैकेंसीज अप्लाई कर सकते हो। आइए चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे दूंगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्लिक हियर फॉर पार्ट वन, यानी अप्लाई करने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन का पार्ट वन यहाँ से अप्लाई होगा, तो आप यहाँ पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने डिक्लेरेशन दिया हुआ है कि आप सारे यानी सिचुएशन से वेरीफाइड हैं या कुछ भी है। उसके लिए आपको नीचे डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है येस और नो। अगर आप इनसे सहमत हैं तो येस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। तो आप अगर नो करेंगे तो आप साइट पे वापस चले जाएंगे, अगर आप यस करेंगे तो आप फर्दर अप्लाई कर पाएंगे। यस पे क्लिक करें। अब देखिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं हम। नाम नाम यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखना है। यहाँ पे जेंडर मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, देखिए मैं कोई भी डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ, एक बार मैं 2002 के अकॉर्डिंग डाल रहा हूँ। देखिए इसमें कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं, 2000 बोर्न, 2 बोर्न, 2003, 2004, 2005, जो इनमें इन सालों में वही सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज कोई और अप्लाई नहीं कर सकता इसमें। अब देखिए मैं 2002 या 2003 डाल देता हूँ। फादर नेम, आगे मदर नेम, उसके बाद आपकी नेशनलिटी इंडियन है या फॉरनर है, जो आप भी सिलेक्ट करना चाहो। उसके बाद स्टेटस ऑफ मैरिड, मैरिड हो या अनमैरिड, यहाँ पे जस्ट आपका अनमैरिड ही रहेगा। कम्युनिटी, ये आप जनरल कैटेगरी है, SC BC जो भी आप रहेंगे उस पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए मैं जनरल पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद आप मिनोरिटी के साथ संबंध रखते हैं, आप अगर यानी कम कैटेगरी वाले जो लोग हैं उनके साथ संबंध रखते हैं तो यस कर दीजिए, अगर नहीं तो नो। अब देखिए मैं नो पे क्लिक करूंगा, नहीं। अब देखिए लाइन में एड्रेस, पहला यहाँ पे लिखना है एड्रेस। अब देखिए सेकेंड एड्रेस लाइन में डालेंगे हम अपना जो भी सिटी है या तहसील है, मैं यहाँ पे सिटी डाल रहा हूँ। थर्ड लाइन आप खाली छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है, बट बिकॉज दो फर्स्ट जो लाइन है ये मैंडेटरी आपको लिखना अनिवार्य है इसमें। अब यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट डाल रहे हैं, यहाँ पे स्टेट ड्रॉप डाउन से आप सिलेक्ट कर सकते हो, मैंने ऐसे लिख दिया उस पर। यहाँ पे पिन कोड, उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे आपका लैंडलाइन नंबर आएगा आपके एरिया कोड के साथ, और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, मैं अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। उसके बाद आप अपना ईमेल आईडी, इसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर चला जाएगा जब आप इसको रजिस्टर्ड करोगे। यहाँ पे ईमेल दोबारा कंफर्म करना पड़ेगा आपको, सेम ईमेल आप इसमें डाल दीजिए। इसमें कॉपी पेस्ट नहीं होगा, अगर आप इसको कॉपी पेस्ट करना चाहेंगे तो कॉपी पेस्ट नहीं कर पाएंगे इसमें। अगर आपके पास कोई अल्टरनेट ईमेल है तो आप इसको एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनल है, इसको स्किप कर दीजिए और कंटिन्यू। यहाँ पे क्वालिफिकेशन का कॉलम है, आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो भी आपकी है फिजिक्स के साथ करिए या नहीं करिए आप उसके साथ सेलेक्ट कर सकते हैं एंड कंटिन्यू।
अब यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ आपका क्या होगा, उसमें अपने पैन कार्ड लगा सकते हो, वोटर कार्ड लगा सकते हो, आधार कार्ड लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो आप, सिलेक्ट कर लो आधार कार्ड। अब यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, देखिए मैं इसमें डालो, यहाँ पे फिर से आधार कार्ड का नंबर एंटर करना पड़ेगा सेम कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद आपने कभी एनडीए के एग्जाम के लिए अप्लाई किया है या नहीं, अगर यस करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कितने बार आपने अप्लाई किया नीचे, अगर नहीं देन नो कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रेफरेंस ऑफ एनडीए एग्जामिनेशन, आर्मी वन सेना के लिए किसके लिए आप देना चाहेंगे, आर्मी के लिए पहली प्रेफरेंस है या नौसेना के लिए, नेवी के लिए, ये एयरफोर्स के लिए, या फिर नेवल एकेडमी के लिए, आप उसके अकॉर्डिंग 1, 2, 3 सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे आप स्टूडेंट हो मिलिट्री स्कूल के या नहीं, या आप जीसीओ को बिलोंग करते हो, उनकी फैमिली को तो नहीं, देन कंटिन्यू। मैं यहाँ पे पैन कार्ड डाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वर्चुअल आईडी डालना पड़ेगा, वर्चुअल आईडी भी मेरे पास है नहीं। देखिए मैं यहाँ पे अभी पैन कार्ड डाल दिया, तो मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ। ये देखिए आपका ये पार्ट वन सबमिट हो चुका है, आप इसको चेक कर लीजिए एक बार, उसके बाद हम इसको सबमिट करेंगे। क्या इसमें कोई मिस्टेक है तो आप इसको जाके अभी बैक करके एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें नहीं कर पाएंगे। अगर इसमें आप एडिट करना चाहते हैं तो अपडेट पे क्लिक कर दीजिए, तो आप जिस भी पार्ट में एडिट करना चाहेंगे वो एडिट हो जाएगा उसके बाद। अगर नहीं तो यहाँ पे कैप्चा फिल करिए A1 एन। अब यहाँ पे मैं आई एग्री पे क्लिक करूंगा, उसके बाद देखिए आपके पास ये प्रिंट स्लिप सेव हो गई, तो आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं या सेव भी कर सकते हैं। अब आप इसका सेकेंड पार्ट अप्लाई करेंगे आगे, क्लिक हियर टू पार्ट टू रजिस्ट्रेशन। मैं यहाँ से एक बार इसका रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को लॉगिन के लिए ये जरूरत पड़ेगा। अब देखिए क्लिक हियर टू पार्ट टू, मेरी ईमेल पे इसकी कंफर्मेशन आ चुकी है कि आपका पार्ट वन अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन आईडी चाहिए, आप इसमें पेस्ट कर सकते हो वहां से चेक करके कि आपका आईडी क्या है, 120 23 120। अभी देखिए मैंने अपना यहाँ पे आईडी फिल कर दिया है। अब यहाँ पे इसको लॉगिन करने के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, आप ड्रॉप डाउन से इसको सिलेक्ट करोगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे 2003 डाला था, तो मैं 2003 1 फरवरी सेलेक्ट कर, एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ उस चीज़ को, ये है 1/2/2003 मैंने डेट ऑफ बर्थ डाली। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम 1 तारीख, और यहाँ पे आपने फिर से कैप्चा फिल करना है, अगर स्मॉल है तो स्मॉल, अगर कैपिटल है तो कैपिटल। अब ये आप पार्ट टू अप्लाई करोगे यहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन का, जहाँ पे आपको सबसे पहले पेमेंट पूरी करनी पड़ेगी। देखिए मैं इसका ऑनलाइन करना चाहता हूँ तो मैं ऑनलाइन पे क्लिक कर सकता हूँ थ्रू SBI ब्रांच, ठीक है, या वीजा कार्ड से, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, आप जैसे भी चाहें उस पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको क्या क्या आगे अप्लाई करना होगा, उसके बाद आपने फोटोज, सिग्नेचर और आइडेंटिटी प्रूफ इसमें अपलोड करने हैं। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, उसके बाद आपने सिर्फ सेंटर सिलेक्शन करना है और एग्री करके उसको सबमिट कर देना। उसके बाद जो आपका प्रिंट आएगा, प्रिंट आपको अपने फ्यूचर के लिए संभाल के रखना है, ताकि आपको जब एग्जाम आए उसके एडमिट कार्ड के लिए जरूरत पड़ेगी तो आप उसके थ्रू प्रिंट निकलवा सकते हो। अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमें नीचे कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हो कि ये चीज इसमें कैसे अप्लाई होगी, तो हम आपको उसका रिप्लाई वहीं पे कर देंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कृपया हमारा चैनल लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।